मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अंधविश्वास का खेल देखने को मिला। बता दें कि उद्घाटन के दौरान एक व्यक्ति ने शरीर में देवता आने का दावा किया। इस बीच मौके पर मौजूद कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने उस व्यक्ति से जीत का आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि आज बीरपुर में कांग्रेस ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, इस दौरान मुकेश मल्होत्रा भी मौजूद रहे। बता दें कि मुकेश मल्होत्रा विजयपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने बीते रविवार रात बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। बुधनी में पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल पर भरोसा जताया गया है, तो वहीं विजयपुर में आदिवासी दाव खेलते हुए मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख मुख्य चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषित की थी। विजयपुर और बुधनी सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे, तो वहीं 23 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है? एक व्यक्ति को देवता ही आ गए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।